अस्सलाम वालेकुम, चराए दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई और ये मुकदमा है 25वीं आइनी तरमीम के हवाले से। इसमें जो फाटा के लोग हैं, कबाइल के, उन्होंने फाटा का मर्जर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर उसको चैलेंज किया है। बहुत अहम समात हुई और आज जो समात की वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबाही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो हैं वो उसमें शामिल थे। बहुत बहुत बड़े आइनी नुक्ते हैं इसके अंदर। पहला आइनी नुक्ता तो ये है कि आया पार्लियामेंट की तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है या नहीं, और आया आइनी तरमीम के हवाले से अदालत क्या कर सकती है। गो के इसमें अगर हम देखें माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लेटेस्ट किसी भी आइनी तरमीम के हवाले से फ़ैसला आया था वो 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर था और वो फुल कोर्ट ने सुना था। उसमें तीन जज साहिबान जो हैं उन्होंने तो कहा था कि आइनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं है, जबकि 6 जज साहिबान ने उस आइनी तरमीम के हवाले से उसको स्ट्राइक डाउन किया, जबकि 175A यानी कि जजिस के हवाले से था। लेकिन उसके साथ 8 जज साहिबान जो थे उन्होंने जुडिशल रिव्यू का इख्तियार रखा और साथ ही ये भी कहा कि आइन के बुनियादी खद्दो खाल हैं वो 4 आइनी बुनियादी खद्दो खाल भी अदालत ने करार दिए और उनमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इस्लामी तर्ज हुकूमत है और वफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, ये जो हैं वो उसके अहम खद्दो खाल के इस से हट के या इनके अंदर तब्दीली पार्लियामेंट दो तहाई अक्सरियत से भी नहीं कर सकती, यानी उसको तरमीम का इख्तियार नहीं है। ऐसी तरमीम जो बुनियादी खद्दो खाल से मुतसादिम होगी वो नहीं हो सकेगी। अब जो है वो बड़ा ही अहम मामला है और सेंसिटिव मामला भी है, जैसे कि आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा भी और बिल्कुल उन्होंने जायज़ ये बात की कि बेंच के अंदर सिर्फ, क्योंकि ये तीनों जज साहबान जो हैं वो इनका पंजाब से ताल्लुक़ है, बाकी सूबों के मतलब KPK के लोग भी या जज साहिबान भी होने चाहिए, बलूचिस्तान के भी और भी, क्योंकि फिर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आएगा। उसी पर बात करते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें ख्वाजा हारिस, वसीम सज्जाद और KPK के एडवोकेट जनरल शुमाइल भट्ट और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अपने इब्तदाई दलाइल जो हैं वो दिए हैं। तो आज की कार्रवाई और इस हवाले से होने वाले जो अहम सवाल उठे हैं इस कार्रवाई के अंदर उन पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान, कितना अहम मुकदमा आपको ये लगता है? देखिए, ये बहुत अहम मुकदमा है। जैसे आपने खुद कहा कि सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या पार्लियामेंट की मंजूर शुदा आइनी तरमीम, और ये मैं वजाहत कर दूँ आम लोगों के लिए कि कानून में तरमीम सादा अक्सरियत से होती है पार्लियामेंट की, और आइन में तरमीम दो तहाई अक्सरियत से होती है। तो जो आइन है वो कानून से बाला होता है, तो कानून को तो सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालतें आम तौर पे करार देती हैं ये गैर आइनी है और आइन से मुतसादम है, मगर जब आइन में कोई पार्लियामेंट तरमीम करती है तो आम हालात में सुप्रीम कोर्ट आइन के तरमीम में मुदाखलत नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद आइन की पैदावार है। तो सवाल सबसे अहम यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के आइन में किसी तरमीम का जायज़ा ले सकती है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि ये जो मामला है ये कबायली इलाकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, जिसमें बड़े बड़े टॉप के लॉयर्स बैरिस्टर वसीम सज्जाद, एडवोकेट ख्वाजा हारिस और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी इस मामले में नोटिस पे हैं उनकी तरफ से, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल हैं शुबाइल वो भी यहाँ पर आज मौजूद थे। तो उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया कि क्या पार्लियामेंट आइनी तरमीम के ज़रिए कबायली इलाकों की हैसियत को तब्दील कर सकती है या नहीं, क्योंकि आइन के अंदर सूबों के लिए या उनकी सूबों की नए सूबे बनाने के लिए या उनकी नई सरहदें का तय्यन करने के लिए तो सूबाई असम्बलियों की कंसेंट ज़रूरी है, सूबाई असम्बलियों से भी करारदाद मंजूर करना ज़रूरी होती है। तो क्या कबायली इलाके जो हैं वो आइन के तहत वो किसी सूबे की हैसियत नहीं रखते? तो आइन के अंदर तो कबायली इलाकों की हैसियत एक यूनिट के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे लिखी गई है ना कि 4 सूबे होंगे, एक कबायली इलाके हैं और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है।
تو اس میں صوبوں کی حیثیت نہیں دی گئی, اور وہ اس لیے بھی شاید نہیں دی گئی کہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے ایک الگ سے آرٹیکل 247 ذیلی شق 6 میں کہا گیا ہے کہ اگر قبائلی علاقوں کی حیثیت میں تبدیلی ہوگی تو صدر پاکستان جو ہیں وہ قبائلی علاقوں کا جو جرگہ ہے, گرینڈ جرگہ, اس کی مشاورت سے وہ تبدیلی کریں گے. مگر اس میں یہ ہے کہ جو فاٹا ہے وہ شامل ہوا جب پاکستان کے اندر, تو آج اس تاریخی حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ جرگے نے نیگوشیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ شامل کیا, اور اس حوالے سے یہ 247 سب آرٹیکل 6 جو ہے وہ انسرٹ ہوا کہ کوئی بھی فیصلہ جرگے سے مشورے کے بغیر نہیں کیا جائے گا. مگر دیکھیں جب آئین پاکستان میں ترمیم ہو جائے اور جرگے سے مشاورت والی بات آئین پاکستان سے پارلیمنٹ نکالتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ اس چیز کو ختم کر سکتی ہے جرگے سے مشاورت والی شرط کو یا نہیں, کیونکہ وہ اگر آئین کا حصہ ہے تو آئین میں ترمیم کرنا تو پارلیمنٹ کا حق ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو شق ہے 247-6 کی کہ جرگے سے مشاورت ضروری ہے, کیا وہ آئین کے اس بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق تبدیلی نہیں کی جا سکتی, جیسے وفاقیت ہے, پارلیمانی اسلامی نظام جمہوریت ہے اور عدلیہ کی آزادی ہے, تو کیا یہ وفاقیت کے اس پہلے اصول کے اندر آتا ہے قبائلی علاقوں کی حیثیت کو تبدیلی کے لیے جرگے سے مشاورت کا معاملہ یا نہیں, تو یہ بھی سپریم کورٹ نے طے کرنا, اور یقینی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جو قبائلی علاقوں کا معاہدہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہوا, اور جو درخواست گزار ہیں وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں کو یا تو نیا صوبہ بنایا جائے یا پھر ان کی حیثیت جو چینج کر رہے ہیں تو اس کو مرج نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے اندر, کیونکہ ان کی ایک روایتی اور تاریخی اعتبار سے ایک آٹونمس حیثیت تھی. تو یہ ان کی دلیل ہے قبائلی علاقوں کی جو کہ سپریم کورٹ میں دی جا رہی ہے, اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پنجاب میں بھی اب صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, صوبہ ہزارہ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے, سندھ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف صوبے جو ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹیولی بنائے جائیں, بلکہ زیادہ چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں. تو یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں, آج سے بات تو نہیں ہو رہی ہے, تو ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ 19 صوبے یا 9 صوبوں والی جو بات ہے, یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو پھر صدارتی نظام کی بھی بات بھی شروع, تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں ان تحریکوں کے اوپر یا ان معاملات کے اوپر جن کا تعلق نئے صوبے بنانے سے ہے یا صوبوں کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں تبدیلی لانے سے ہے. اچھا, اس میں مدگلہ جان یہ کتنا اہم فیکٹر ہوگا, جس خدشے کا اظہار آج جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی کیا کہ جو تینوں جج صاحبان اس وقت سن رہے ہیں وہ ان تینوں کا تعلق پنجاب سے ہے, تو باقی صوبے مطلب بلوچستان سے بھی ہوں جج صاحبان, سندھ سے بھی ہوں اور پنجاب بھی ہو گیا اور کے پی بھی ہو گیا, یہاں سے بھی چاروں صوبوں کے جو ہیں وہ ہونے چاہئیں تاکہ ایک وہ تاثر نہ جائے کہ جی ہمیشہ جو پنجاب کو گالی پڑتی ہے کہ جی پنجاب نے یہ کر دیا, پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, پنجاب کی عدلیہ نے یہ ایسا کر دیا, تو یہ موو کیوں, حالانکہ جج تو جج ہے نا سپریم کورٹ کا. دیکھیں آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ پابند نہیں ہے کہ ایسے معاملات کے اوپر چاروں صوبوں سے جج لیے جائیں سننے کے لیے, قانون یا آئین میں کہیں یا نہیں لکھا, آئین پاکستان تقرریوں کے حوالے سے بھی کوئی کوٹا مقرر نہیں کرتا. مگر چونکہ ماشاءاللہ سے ہماری سپریم کورٹ میں پچھلے 10-15 سالوں میں ایک وہ سیاسی شعور بہت پیدا ہو چکا ہے, تو اس سیاسی شعور کے تحت ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت اب ہمارے معزز ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی اپنے ججز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ سپریم آئین پاکستان پورے کی نمائندگی نہیں کرتے. میرے خیال میں ایٹ بیک آف دیئر مائنڈ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بہت سے سیاسی معاملات میں جب کوئی فیصلے کرتے ہیں تو ان کا رد عمل جو ہے وہ صوبائیت پر مبنی ہو سکتا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر صوبے سے ایک جج لے لیا جائے, حالانکہ آئین کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر کچھ گلٹ ہے, کچھ ایسی چیز ہے جو انہیں پنچ کرتی ہے, تنگ کرتی ہے یا ان کے خدشات میں اضافہ کرتی ہے, کیونکہ جب آپ سیاسی معاملات میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا ایک جمہوریت کے ہونے کا تاثر دینا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ پٹھان جج ہے, یہ پنجابی جج ہے, یہ سندھی جج ہے, یہ بلوچی جج ہے, اور ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں ہم چاروں صوبوں کی وفاقیت کا فیصلہ کر رہے ہیں, ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے. مگر بدقسمتی ہے جب آپ سیاسی معاملات میں پڑھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سیاسی طور پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا متیلا جان, اگر ہم فل کورٹ بھی بنا دیتے ہیں, اگر فل کورٹ بھی بناتے ہیں تب بھی جو ہے
जो अक्सरीती जज साहिबान होंगे वो तो पंजाब से ही होंगे, या पंजाब या सिंध, उसके बाद आता है, और फिर उसके बाद क्योंकि केपी से भी महफल अभी तक दो है, तो बलूचिस्तान से तो अब आके दो जज हुए हैं जमाल खान मंदोखेल साहब के आने के बाद। केम साहब, असल सवाल ये है कि देखिए पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट सिर्फ नए सवाल यही है, पार्लियामेंट सिर्फ नए सूबे नहीं बनाती, पार्लियामेंट तो नए मुल्क भी बना देती है। अपने मुल्क के अंदर क्यूबेक को एक खुद मुख्तारी दी गई, आज़ादी दी गई, आयरलैंड के जो स्टेटस है वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका तयन हुआ, तो पार्लियामेंट के वसी अख्तियारात होते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़िया उल हक़ के दौर से उसने एक तरफ हमारे जजेस जो हैं जनरलों को तो आइन में तरमीम का भी अख्तियार देते हैं और दूसरी तरफ पूरी पार्लियामेंट को कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब पूरा मुल्क जो है, पूरे 22 करोड़ आवाम अगर ये फैसला कर लें कि हमने जो है वो पंजाब को या सिंध को अगर मिलाना है, तो वो पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों के ज़रिए मिल बैठ के कुछ भी आइन में तरमीम कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट का अख्तियार है, ये सियासी फैसले हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर, चार जजेस या पांच जजेस बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि ये कर सकती है पार्लियामेंट या नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी तो इंडिया से ही आई ना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही इसको कहा कि नहीं जी ये इतना वो हम लोग ज़िया उल हक़ के दौर से पार्लियामेंट पर कदगने लगाई जा रही हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी एक फौजी और आमराना ज़हनियत है और सोच है। जब अवाम का जहन बदल जाए तो अवाम की पार्लियामेंट भी उस जहन के मुताबिक उसको आइन में तब्दीली लानी पड़ती है। ये चार पांच जजेस बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि ये बुनियादी ढांचा है या ढांचा हो सकता है या नहीं हो सकता। पूरी की पूरी इमारत भी गिराई जा सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे और अगर अवाम चाहे तो। नहीं, लेकिन उसमें यह भी तो एक अच्छी बात है ना कि एक अदालत के पास तो आए हैं ना कि फैसला करें, हाँ। फैसला करें, मगर बहुत से मामलों में अदालत को खास तौर पे आइन के आइन के मामले में अदालत का कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो तो जायजा ले। बार भी है, लेकिन वो तो 211 का बार भी है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इख्तियार समाअत नहीं रखती। वो तो कुछ काउंसिल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सर्टेन रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि अगर मैलाफिडी की बुनियाद पर किसी जज के खिलाफ हो गया पार्लियामेंट, तो वो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार रखती है। नहीं, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से बहुत ऊपर का अदारा है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो सिर्फ एक ट्राइब्यूनल है, पार्लियामेंट जो है एक आइन साज अदारा है और उसके जो सुप्रीमेसी है वो पूरे महजब मुल्कों में, तमाम मुल्कों में वो सबसे ऊपर होती है और वो कुछ भी फैसले कर सकती है। ये चार पांच जजेस बैठ के पार्लियामेंट की आइनी तरामीम को देखना, ये भी तोहीन है पार्लियामेंट की। और ये हमारे अदलिया में माशाल्लाह से हमारे कुछ मतहत महकमों में भी बड़ी खुद मुख्तारी आ गई है और हमारी अदलिया भी अब कुछ ज़्यादा ही खुद मुख्तार होती जा रही है और कुछ लोग बैठ के जो है बताते हैं कि आइन क्या और क्या नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, जनरलों को तो आइन में तरमीम का भी अख्तियार दे देते हैं और पार्लियामेंट की आइनी तरमीम और पार्लियामेंट की आइन साजी के ऊपर बैठ के ये डॉक्टर हजरात उसके लेबॉरेटरी टेस्ट करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मतीला जान। तो वाकईतन ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा आइनी सवाल भी है, जहाँ ये पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तियारात के को तय करने के हवाले से अहम है, वहीं फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, क्योंकि जितने भी इदारे हैं वो आइन की ही क्रिएशन हैं, लेकिन आइन की क्रिएशन होते हुए अगर किसी को आइन के अंदर तरमीम का इख्तियार है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट है, और इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है। आने वाले देखते हैं, अब ये फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये जब से ये 25वीं तरमीम हुई थी उसके बाद से इसकी मुख्तलिफ समातें होती रही हैं, लेकिन आज एक जस्ट क्विकली वन लाइनर, वो शायरों की शायरी की तशरीह हमें हमारे उर्दू के टीचर पढ़ाते थे ना, तो ये पार्लियामेंट की बनाए हुए आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस का बैठ के करना ऐसा ही है जैसे कोई उर्दू का उस्ताद के शायर ने जो शेर लिखा है वो उसका खुद गलत मतलब बता रहा है, असल मतलब वो है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो तो जैसे आसिफ सईद खोसा साहब भी कहा करते थे कि लॉ जो है वो एम्प्टी वेसल्स हैं, उनके अंदर जो मीनिंग का पानी है वो हम भरते हैं। वो पनामा केस वाले जो आसिफ सईद खोसा साहब है, उन्होंने सही वेसल में पानी भरा। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हैं, इसीलिए देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तो आइन की ही क्रिएशन है और आइन ही ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरप्रिटेशन का इख्तियार भी दिया, इतनी तो ज्यादती ना करें मतलब जाना। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पार्लियामेंट अगर माँ है, क्रिएटर है, तो वो अंग्रेजी में एक चीज़ है कि डोंट टीच योर फादर हाउ टू। बहरहाल जी, अहम मुकदमा है और देखते हैं कि इस पे आगे क्या होता है, क्योंकि ख्वाजा हारिस ने भी आज कई सवालात उठाए हैं
कि जो फाटा है वो फेडरेटिंग यूनिट है या नहीं, ये वफाक की इकाई है या नहीं, और अगर है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और ये एक इंतहाई टेक्निकल केस है, गो के केपी के हुकूमत की तरफ से भी और इब्तदाई तौर पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी यही कहा गया है कि इसमें जो आइन का बुनियादी खद व खाल हैं इस तरमीम से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो लिहाजा ये एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फरवरी में दोबारा ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा और आया ये उसके लिए फुल कोर्ट बनता है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो है हम जैसा मैंने अपने इब्तदाई में ज़िक्र किया था कि जो 18वीं आइनी तरमीम के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हासिल कर रखा है, क्योंकि तीन जज साहबान जिसमें जस्टिस नासिर मुल्क थे, इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे और एक तीसरे जज साहब थे, उन्होंने तो सर्टनली ये कहा था कि आइन जो है वो पाबंदी लगाता है किसी भी आइनी तरमीम के ऊपर अदालती इख्तियार नज़रसानी का, लेकिन 14 जज साहबान ये कह चुके हैं कि आइनी तरमीम को भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। गो के 8 जज साहबान का वो जो फैसला था जिस जो कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने लिखा है उसके अंदर ये बुनियादी खद्दो खाल का जिक्र किया गया है, जबकि जो 6 जज साहबान थे उन्होंने तो कहा था कि हमें जुडिशल रिव्यू का इख्तियार और हम ये स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। बड़ा इंतहाई अहम मुकदमा ये आने वाले दिनों में सूरत इख्तियार करेगा। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।